बैठक में जोन क्रमांक एक के साथ सियागंज व हाथीपाला में दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूला के अनुसार खोलने का निर्णय हुआ। उसके साथ ही मॉल्स, रेस्टोरेंट, जिम को छोड़कर जोन क्रमांक दो पूरी तरह से खुल सकेगा। छोटी ग्वाल टोली और रेलवे स्टेशन के इलाकों में भी अगले 7 दिनों तक ऑड इवन लागू होगा। जोन क्रमांक 3 पूरा खुलेगा। साथ ही चाय, नाश्ता जैसी दुकानों को सुबह 6 से 10 तक की अनुमति मिली है। फिलहाल धार्मिक स्थलों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मनीष सिंह के अनुसार मॉल्स, रेस्टोरेंट पर समिति चर्चा के बाद फैसला लेगी। बाकी जो चाय की दुकान है, कचोरी है, समोसा है, सहमति बनी है। मॉल के लिए भी हम एक बार मॉलों से बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी जो 2 और 3 लगभग इस पूरी जो कोर एरिया है जोन 1, उसमें अल्टरनेट रखा है ऑड इवन, उसके आधार पर हम शहर खोलेंगे। और लगभग पूरा शहर खुल गया, सिर्फ ऑड इवन कोर एरिया में रहेगा, बाकी सब जगह खुला है। राजवाड़ा कोर एरिया में था, ऑड इवन में है। उस पर एक बार उनसे बात करनी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाली है, तो रेस्टोरेंट और बात करके फिर आगे। उनका कहना है कि जब सैलून खुल चुके हैं जिससे संक्रमण का खतरा आता रहता, तो फिर हमारे मैंने क्या बोला, रेस्टोरेंट वाले से बात करेंगे और कचरे समोसे चाय तो काफ़ी शहर की निगाह इस पर टिकी हुई है, क्योंकि कई वर्ग ऐसा है जो अभी भी पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकते। किस तरह के डिसीजन यहाँ पर हुए, आने वाले समय में शहर की किस तरह की दिशा होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था जोन 1 में जो मध्य क्षेत्र है, इसमें खिरची दुकानों को निर्णय था। सभी के मत में थे कि इनको ऑड इवन पे खुलना चाहिए, उस पर निर्णय हुआ है कि ऑड इवन पे खुलेंगी दुकानें वो। और इसी प्रकार जो सियागंज का, हाथीपाले का जो ट्रांसपोर्ट वाला था, वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिसर्स हैं ऑड इवन पे खुल सकेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। जोन 2 लगभग पूरा खुलेगा, उसमें केवल मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और जो ये जिम है, अभी इसके लिए थोड़ा कुछ और कमिटीज़ बनी हैं, चर्चा हो रही है उसमें, इनको छोड़ करके जोन 2 पूरा खुल जाएगा। केवल छोटी ग्वाल टोली, सरवटे और रेलवे स्टेशन वाली जो दुकानें हैं भारी, काफ़ी कंजेस्टेड, इनको ऑड इवन पे हुआ है कि 7 दिन तक इनको ऑड इवन पे खोला जाए, अभी 7 दिन बाद फिर रेगुलरली खुल सकेंगी है। जोन 3 जो 29 गाँव का है, ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है, वो वाला भी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। रेत गिट्टी और इसके जो व्यापारी हैं अपने मुरम के, इनको रात में 11 से सुबह 5 तक की अनुमति देंगे। इसके अलावा जो छोटे चाय और नाश्ते वाले जो लोग हैं, इनका भी रोज़गार रहता है, उनको भी सुबह 6 से 10 की अनुमति दी गई है कि प्रातः रह सकते हैं, इसके बाद फिर बंद करना होगा इनको। और मुख्य तौर पर इसी तरह से भी सराफे की रात की उसमें और 56 की जो भीड़ की जो इकट्ठी होती है, इसको 2 के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। पर 56 में जो अन्य दुकानें हैं जिसमें कि खिलौना बेचने वाले, ये सब खुल सकेंगी। ये जो है सर, इसके अलावा नॉर्मल प्रोसीजर देखा जाए जिसमें मॉल्स वगैरह हैं या मंदिर वगैरह हैं, उसको लेकर कुछ अभी मंदिर के बारे में चर्चा हुई थी, जो समिति ने, जो हम लोग ने जो धर्मगुरु की बैठक ली थी, इसमें जो चर्चा हुई थी, हमने समिति को बताया था कि सभी इसमें एक मत थे कि अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रखा जाए, थोड़ा विलम्ब से इसको, इसमें निर्णय लिया जाए किसी प्रकार का। तो अभी इसमें तो यथास्थिति है, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। और जो मॉल्स के बारे में एक ये है कि बुला के क्या SOP बनाई है, इनको एक उप समिति है, उसमें बुला करके चर्चा की जाएगी उसमें। बाकी तो एक रेस्टोरेंट्स के लिए भी बुला के SOP के बारे में चर्चा की जाएगी, तो इन्हीं को होल्ड किया गया है कुछ चीज़ों को अभी।